दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को सबसे पहले ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो सबसे पहले रियल ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे गुड न्यूज़ के बारे में, जो कि संबंधित है नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसका इंतजार काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी कर रहे थे। लेकिन अब आप सभी का जो इंतजार है वो लगभग ख़त्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे अगर बात की जाए एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के संबंध में, बड़ी जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूँ। खासकर अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी वाले छात्रों के लिए डबल खुशखबरी भी है, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले तो एक शिक्षक भर्ती देखने के लिए नहीं मिल रही थी। पहले टीजीटी पीजीटी 4163 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया, उसमें कहीं ना कहीं सीटों की संख्या तो कम है लेकिन कम से कम एक भर्ती तो आई। वहीं दूसरी तरफ एक और भर्ती आपको देखने के लिए मिलती है, जो कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे टीजीटी पीजीटी वाले छात्रों के लिए तो डबल खुशखबरी हो चुकी है, मतलब कि बीएड वाले अभ्यर्थियों के बारे में। बस अब आप सभी के साथ देशाई शुभकामनाएं, अपनी मेहनत करें, दोनों में से किसी न किसी भर्ती के अंदर एक सीट अपने लिए रिजर्व कर लें। चलिए अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अपडेट ये है कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के संबंध में हाल ही में जानकारी मिली थी शिक्षा निदेशक की तरफ से कि योग्यता के विवाद को लेकर जो फैसला है वो हो चुका है। लेकिन मैंने आप सभी को बताया था कि अभ्यर्थी यहाँ पे एलटी गेट शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से मुलाकात करेंगे। इसी के संबंध में अभ्यर्थियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से मुलाकात की गई, जहाँ पर उनके माध्यम से बताया गया कि उत्तर प्रदेश एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के संबंध में यहाँ से योग्यता का विवाद खत्म हो चुका है। तो छात्रों के माध्यम से लगभग 9 से 10 बिंदुओं को यहाँ पर रखा गया, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पाए, लगभग यहाँ पर आप सभी के सामने टोटल 10 बिंदु देखने के लिए मिलते हैं। सबसे खास यहाँ पर देखने के लिए मिलता है 12,000 पदों पर एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विभिन्न विषयों में समकक्ष अर्हता का विवाद का समाधान हो चुका है, ऐसी जानकारी शिक्षा निदेशालय से मिली है। लेकिन एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हुआ है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और भी तमाम जानकारी यहाँ पे देखने के लिए मिली, मतलब अब सवाल यह है कि उनके माध्यम से क्या कहा गया। तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती के 7,000 प्रवक्ता के 5,000 के अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को मिल चुका है। वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की गई, उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ से अर्हता समकक्ष संबंधित एक पत्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को मिल चुका है। उन्होंने बताया कि अक्टूबर माह में एलटीजीआईसी और प्रवक्ता राजकीय विद्यालयों के अंदर 12,000 पदों पर नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। और इसकी जानकारी मैंने आप सभी को 3-4 दिन पहले भी दी थी कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जल्द जारी होगा, अक्टूबर के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने कोई और समस्या नहीं आए तो बेहतर होगा, क्योंकि जो जानकारी मिली है वो अधिकारियों से मिली है, अधिकारी कभी मुकर भी जाते हैं। लेकिन एक बात तो सत्य है कि भर्ती का विज्ञापन अवश्य जारी होगा, बस आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहें। तो अब आप सभी के जो आवेदन होंगे वो आपके अक्टूबर के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। परीक्षा लगभग आप सभी जानते हैं कि 3 से 3.5 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से करवा ली जाएगी। तो टीजीटी पीजीटी के साथ में एलटी गेट शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास में पत्र मिल चुका है और भर्ती का विज्ञापन अक्टूबर माह में जारी कर दिया जाएगा। और इसके अलावा कोई और जानकारी मिलेगी तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन एड ऑफ फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें।